दोस्तों, आज के वीडियो में आपको ये बताने वाला हूँ कि अगर आप भी अपने एप्लीकेशन में इंटरनेट कनेक्शन लगाना चाहते हैं, मतलब अगर आप चाहते हैं कि सामने वाला आदमी या बंदा कोई भी आपका एप्लीकेशन बिना इंटरनेट के यूज ना कर पाए, तो ये वीडियो देखते रहिए। दोस्तों, मेरा नाम है हिमांशु और आप देख रहे हैं फंजुन हिंदी टेक्टिव। चलिए दोस्तों, आज का वीडियो हम लोग स्टार्ट करते हैं। देसी देसी ना बोलिया कर छोरी रे, इस देसी की फैनी अपनिया हो रही रे। चलिए, मैंने अगर उससे पहले अगर अभी तक आपने मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियो का एप्लीकेशन आपको मिलते रहें, लेटेस्ट वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहें आपको। तो चलिए, आप सबसे पहले थंकेबल ओपन कर लीजिए। आपको जिस भी पेज में इंटरनेट की सेटिंग करनी है, मतलब आप चाहते हो जिस पे पेज पर एड लगाया है उस पेज पर चाहते हो कि सामने वाला एड देखे भी ना जाए, तो हम लोग जैसे मैंने स्क्रीन टू पर एड लगाया, मैं इस एप्लीकेशन के बारे में बता रहा था, तो स्क्रीन टू पे हमें आ जाना है क्लिक करके। उसके बाद आपको क्या करना होगा, यहाँ देखिए कनेक्टिविटी, कनेक्टिविटी में जाइए और एक वेब यहाँ पर ड्रैग एंड ड्रॉप कर दीजिए। और अगर अभी तक आपने नोटिफायर, ये जो क्या कहते हैं नोटिफायर, अगर ड्रॉप नहीं किया है तो यहाँ से आप नोटिफायर भी ले सकते हैं। ये नोटिफायर को ड्रॉप कर दिए, मैंने पिछले वीडियो में बताया था नोटिफायर के बारे में, तो मैंने दोनों ड्रॉप कर दिया, नोटिफायर और वेब। तब हमें करना वेब में आना होगा, ब्लॉक्स में आना होगा। ब्लॉक्स में आने के बाद अब इस काम को थोड़ा सा काम है ब्लॉक का, तो वो करना होगा। चलिए, ये पहले वाला ब्लॉक का काम है, तो सबसे पहले हमें आना प्रोसीजर में आना है। प्रोसीजर में आने के बाद हमें ये ऊपर वाला जो ऑप्शन दिख रहा है, ये हमें यहाँ पर ले आना है खींचकर, और यहाँ पर ये प्रोसीजर पे क्लिक करना है और इंटरनेट लिख देना है। ये देखिए इंटरनेट लिख दीजिए, इंटरनेट लिखिएगा तो यहाँ एक नया एक और बन जाएगा एक्स्ट्रा, तो इसे आपको यहाँ पर ले आना है। इसे ले आने के बाद अगर आपने इनिशियलाइज ये वाला पेज, इनिशियलाइज का पेज अगर नहीं लिया तो आप यहाँ पर जाकर ये वाला पेज ले सकते हैं। स्क्रीन टू पर जाकर देखिए, व्हेन स्क्रीन टू इनिशियलाइज एनालाइज एनालाइज ये वाला पेज, तो मैंने तो ऑलरेडी ले लिया है, तो इसे थोड़ा ये गड़बड़ है थोड़ा। और ये वाला ऑप्शन आपको क्या करना है, इसके नीचे जस्ट चिपका देना है ताकि इसको पता चले ये इंटरनेट के अलावा नहीं चलेगा। उसके बाद हमने जो वेब का ऑप्शन लिया था, तो हमें वेब में जाना होगा। चलिए हम लोग वेब में चलते हैं। ये देखिए वेब, वेब में आने के बाद आपको सबसे पहले ये वाला ऑप्शन लेना कॉल वेब गेट, आप इसे लगाकर यहाँ चिपका दीजिए। फिर से हमें दोबारा वेब में जाना है और दूसरा ऑप्शन लेना है, तो कौन सा लेना हुआ मैं आपको बताऊँगा कौन सा लेना है। ये देखिए और थोड़ा आ भाई, हाँ ये वेब सेट वेब यूआरएल, ये वाला ऑप्शन आपको यहाँ पर ले लेना है। तब इसे यहाँ पर इसी सेट कर दीजिए। और उसके बाद क्या करना है आपको, सॉरी एक काम बात बताना मैं भूल गया, यहाँ पर आप डिजाइनर भैया आपने जो वेब लिया था वेब, यहाँ पर यूआरएल डालना है। कौन सा यूआरएल डालना है मैं आपको बता दूँ, गूगल जी मैंने लिखा, और ये देखिए डब्लू डब्लू, यहाँ से आप यहाँ तक कॉपी कर लीजिए। कॉम डालना है, इन नहीं डालना है, आप इन भी डाल सकते हैं, तो चलिए इसे हम लोग कॉपी कर लेते हैं। यार क्या हो रहा है, और ये देखिए अभी इसे मैं कॉपी कर लेता हूँ। ये देखिए कंट्रोल सी किया, कॉपी किया, और यहाँ पर इसके यू आर एल में लाकर मैं यहाँ पर पेस्ट कर देता हूँ। अभी ये देखिए यहाँ पर मैं इसे पेस्ट कर देता हूँ www.google.com। तो ये हमारा यहाँ का काम फाइनल हो चुका है। अब हम लोग ब्लॉक्स में आते हैं, तो ये थोड़ा सा छूट गया था तो उसे हम लोग को कर लेना है। और यहाँ पर हमें एक टेक्स्ट बॉक्स लेना पड़ेगा ब्लैंक, जिसमें हम यू आर एल डालेंगे। तो यही वाला हम लोग को यू आर एल सेम टू सेम जो आपने वहाँ पर डाला, तो उसे आपको यहाँ पर भी डाल देना है। चलिए ये यहाँ पर हो गया सेट, तब लोग हम यहाँ पर यू आर एल वो वाला डाल देते हैं, यहाँ भी पेस्ट कर देते हैं .com कर देते हैं। तो ये हो गया अपना। और एक बार इसके बाद हमें फिर से स्क्रीन टू पर जाना होगा, और यहाँ पर हमें ऑप्शन बहुत सारे मिल जाएंगे, तो मैं बताता हूँ आपको कौन सा ऑप्शन चूज करना है। ये देखिए वेन स्क्रीन टू एदर, जब ये अगर इंटरनेट का कुछ भी अगर कनेक्शन का अगर इंटरनेट ओपन नहीं किया तो ये एप्लीकेशन नहीं यूज कर पाएगा,
तो उसके बाद हम यहाँ पर जाने के बाद आपको कंट्रोल में जाना होगा। कंट्रोल में चले जाइए और ये इफ एंड देन वाला जो ऑप्शन है ऊपर में, इसे यहाँ पर लगा दीजिए। इसे लगाने के बाद आपको क्या करना है, मैथ में जाना होगा, इसे हमें गणित करना होगा। मैथ में जाके इक्वल टू वाला ऑप्शन लेना है, ये देखिए ये इक्वल टू का ऑप्शन, ये वाला यहाँ पर हमें ड्रॉप कर देना है, यहाँ पर इसे सेट कर देना है। उसके बाद हमें सिंपली जाना है वेरिएबल्स में, और यहाँ से हम ये वाला ऑप्शन यहाँ से हम लोग यहाँ पर लगा के लगा देना है। चलिए मैं इसे यहाँ पर लगा देता हूँ, और यहाँ पर जो आपको दिख रहा होगा मेरा कर्सर, वहाँ पर अगर आप टाइप कीजिएगा, बटन दबाइएगा कोई भी, तो एरर नंबर का ऑप्शन आएगा, यहाँ पर हमें एरर नंबर डाल देना है। उसके लिए हमें फिर से क्या कहते हैं, यहाँ पर ये बॉक्स खाली रह गया, इसके यहाँ तो कुछ तो हमें डालना पड़ेगा। उसके लिए हम लोग फिर से मैथ में जाएंगे। मैथ में जाने के बाद आपको ये वाला ऑप्शन यहाँ पर ड्रैग कर देना है, और यहाँ पर टाइप करना है 1101। तो ये देखिए हमारा ये टाइप हो चुका है। अब हमें जाना है, ये सब करने के बाद हमें नोटिफायर, अब सबको देखेगा कि सही में नेटवर्क कनेक्शन का इशू है कि क्या है नहीं है, हम लोग को नोटिफायर में जाना है। और नोटिफायर में जाने के बाद ये वाला कॉल नोटिफायर शो प्रोग्रेस डायलॉग, ये वाला आपको ले लेना है, ये मैसेज टाइटल, और इसे हम लोग को यहाँ सिंपली लगा देना है। चलिए मैं इसे लगा देता हूँ यहाँ, ये देखिए अपनी जगह फिट हो चुका है। तब हमें ये टेक्स्ट बॉक्स लेना होगा दो, यहाँ से देखिए आप यहाँ से टेक्स्ट बॉक्स उठा सकते हैं आराम से, टेक्स्ट में जाके यही वाला ऊपर में, ये देखिए मैं इसे यहाँ पर लगा देना आपको। और यहाँ पर आपको जो भी सामने वाले को मैसेज शो करवाना है वो आप लिख सकते हैं। तो ऊपर में जैसे मैं लिख देता हूँ, टर्न ऑन योर मोबाइल डाटा फर्स्ट, टर्न ऑन योर मोबाइल, आप हिंदी में चाहें तो वो भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा पर डिपेंड करता है, डाटा। तो मैंने इसे यहाँ पर ये लिख दिया, ये हो गया टर्न ऑन योर मोबाइल डाटा, कि उसको जब कहेगा कि आप अपना मोबाइल डाटा टर्न कर लीजिए। आप यहाँ पर उप्स भी दे सकते हैं, ओहो, कुछ भी आप जो लिखना चाहें, ओहो, जैसे मैं उप्स दे देता हूँ। और ये देखिए ये हमारा अब काम हो चुका है। दोस्तों अगर आपने इतना सारा काम पूरा कर लिया है, ये जो मैंने जो बताया है, अगर ये सारा काम अगर पूरा कर लिया तो ये श्योर है 100% कि ये ज़रूर वर्क करेगा। मैं भी यही अप्लाई करता हूँ, ये जो मैं आपको सेटिंग बता रहा था सेम टू सेम मैं यही सेटिंग अप्लाई करता हूँ, और मेरे एप्लीकेशन विदाउट नेट के नहीं चलते। तो आप ये ट्राई कीजिए, मैं 110% आपको भरोसा देता हूँ कि ज़रूर वर्क करेगा, और ये बिना इंटरनेट का कोई भी यूज नहीं कर पाएगा। तो आज आपने सीखा कि बिना इंटरनेट के एप्लीकेशन ना चले, ऐसा आपने आज सीख लिया है, मतलब बिना इंटरनेट के सामने वाला बंदा यूज ना करवाए। दोस्तों अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और एप्लीकेशन बना के बहुत सारे पैसे कमाइए। और क्या कहते हैं, अगर आपने पूरा वीडियो देख लिया है तो इस चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसके थंकेबल क्रिएटर ऐसे बहुत सारे ट्यूटोरियल आने वाले हैं जो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होंगे, आप बहुत सारे एप्लीकेशन बनाना सीखेंगे। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।